वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में छावनी सब डिविजन के क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च औद्योगिक क्षेत्रों सहित मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के साथ बिना काम के घूम रहे लोगों को सख्त समझाइश देकर छोड़ा गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में पुलिस द्वारा जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रतिदिन रात्रि में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिससे असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के साथ शराब पीकर वाहन चला रहे लोगों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते गुरुवार की रात छावनी सब डिवीजन के थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर औद्योगिक क्षेत्रों सहित प्रमुख मार्गों में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे लोगों को समझाइश देने के साथ ही असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई। फ्लैग मार्च में जामुल, छावनी, खुर्सी पार, भिलाई 3, कुम्हारी थाने के प्रभारी भी मौजूद रहे। इन सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना क्षेत्रों में संचालित बियर बारों में भी पुलिस ने दबिश दी। फ्लैग मार्च की जानकारी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन ने दी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कल रात्रि में छावनी सब डिवीजन के थाना जामुल, छावनी, भिलाई नगर एवं खुर्सीपार क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों के एरिया में रात्रि में गहन भ्रमण किया गया है। जितने भी असामाजिक तत्व घूमने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गौरतलब है कि प्रतिदिन रात्रि में निकाले जा रहे फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों, शराब पीकर वाहन चला रहे लोगों में दहशत है। आपराधिक घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। शहरवासियों ने पुलिस अधीक्षक का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।